दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बाइनेंस में अगर आप P2P करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो में लाइव बताऊंगा और एक P2P ट्रांजैक्शन करके मैं आपके सामने इस वीडियो में लाइव बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आप बाइनेंस में P2P करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंश्योर कर लेना होगा कि आपका P2P का KYC यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। जब आपका KYC वेरीफाइड होगा तभी आप P2P कीजिएगा, अदरवाइज P2P नहीं कीजिएगा और होगा भी नहीं, ठीक है। तो KYC वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ है तो ऊपर में आपको जो यहाँ पर सिंबल दिखता है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है वेरीफाइड का, आपका भी यहाँ पर दिखेगा। हो सकता है आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट वेरीफाइड दिखे या फिर वेरीफाइड दिखे, ग्रीन में यहाँ पर टिक लग जाएगा वेरीफाइड, दैट मीन आपका जो है सो KYC पूरे तरीके से वेरीफाइड हो चुका है। अब आप यहाँ पर सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं P2P यहाँ पर कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जब आप बाइनेंस का एप्लीकेशन खोलेंगे तो इस टाइप का यहाँ पर आएगा, ये है आपका लाइट मोड में। लाइट मोड में बहुत सारी कम चीज़ें एप्लीकेशन यहाँ पर दी रहती है, बहुत सारे कम ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको लाइट मोड से बूस्ट कर लेना है, ठीक है, आपको प्रो मोड में, ठीक है। जब आप प्रो मोड में करेंगे तो आपका यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर खुल जाएगा जहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्रंट में ही मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है आपको P2P ऑप्शन में जाने के लिए आपको यहाँ पर वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉलेट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा फंडिंग का, ठीक है। तो फंडिंग ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा P2P का, ठीक है। देखिए यहाँ पर फंडिंग ऑप्शन दिख रहा है P2P, इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जब आप P2P क्लिक कर जाएंगे तो इस टाइप का यहाँ पर कुछ रिस्क नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्लियर बताया हुआ है कि आप जो है सो जब आप P2P करेंगे तो जब तक आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक आपने फंड को रिलीज मत कीजिएगा, चाहे तो आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, क्योंकि कई बार होती है बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट या फेक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है जहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और अपना फंड रिलीज कर जाएंगे, तो वहां पर आपका P2P में आपका बाइनेंस सपोर्ट सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको रिस्क नोटिफिकेशन यहां पर पढ़ने को दिया जाता है। तो यहां पर हम ग्रीन में टिक कर देते हैं, इसके बाद कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप कंफर्म करेंगे इस टाइप का कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप P2P में आपको यहां पर चाहे तो डायरेक्टली जो इतना सारा चीज दिया हुआ है ये आप खरीद सकते हैं, USDT खरीद सकते हैं, BTC खरीद सकते हैं, BSD खरीद सकते हैं, BNB खरीद सकते हैं, इथेरियम, एडा, TRX वगैरह जो भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारा आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है अपने रुपये से खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने बैंक अकाउंट को यूज करके, P2P को यूज करके, या फिर IMPS करते हो या NFT करते हो, अपने सीधे इंडियन बैंक अकाउंट से आप खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी आपका क्रिप्टो है वो डायरेक्टली आप बेच सकते हैं जीरो कॉस्ट में, तुरंत हो जाता है, इंस्टेंट। ये दोनों काम आप P2P कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा कि अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो चाहे तो USDT भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ TRX को खरीदने वाला हूँ, ठीक है। तो TRX को खरीदने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पर रुपये से TRX खरीद सकते हैं। जैसे TRX में खरीदेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ये सारे सेलर्स हैं जो भी यहाँ पर लिस्ट में दिखेंगे, ये सारे लिस्ट में सेलर्स हैं जो TRX को बेचने के लिए यहाँ पर अपना प्राइस दिए हुए हैं, और कितना TRX, कितना रुपये का TRX सेल करने वाले हैं ये सारे यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, तो आप बारीकी से देख लीजिएगा। लेकिन आपको यहां पर सेलर को चूज करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे सेलर को सेलेक्ट करना है जिसका ट्रस्ट स्कोर ज्यादा हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं जिसका जो ट्रेड ज़्यादा किया हो और जिसका ट्रस्ट स्कोर जो है सो ज़्यादा हो, मतलब कि 95 से ऊपर का जिसका ट्रस्ट स्कोर हो उससे कीजिएगा, अच्छा होगा। हालांकि कम ट्रस्ट स्कोर जिसका होता है, जो कम ट्रेड करता है नए ट्रेडर से, उससे भी खरीद सकते हैं, बट एकदम आप सेफ और सिक्योर होना चाहते हैं तो ज़्यादा जो ट्रेड किया हुआ है जिसका ट्रेड स्कोर और जिसका ट्रस्ट स्कोर ज़्यादा है और इसके साथ साथ जो वेरीफाइड है, ठीक है, जो फुली वेरीफाइड है उससे आप कीजिएगा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ कौन इस टाइप का है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्च किया है, युग करके कोई सेलर है जो TRX को सेल कर रहा है, ये अभी तक 522 ट्रेड कर चुका है और इसका ट्रस्ट स्कोर 99.81% है। इतना ही नहीं, इसका जो है सो टिक लग चुका है, मतलब कि फुली वेरीफाइड का यहाँ पर टिक लग चुका है, तो आप इससे जो है सो बाइक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाइक करने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपको अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना है, क्योंकि जो बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे उसी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे, तो इन फ्यूचर में जब भी कोई ट्रांजेक्शन से डिस्प्यूट होता है तो आपको यहाँ पर बाइनेंस भी सपोर्ट करेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो फंड आप यहाँ पर ऐड करते हैं, चाहे UPI ऐड कीजिए, चाहे IMPS ऐड कीजिए, या फिर बैंक डिटेल ऐड कीजिए, वही फंड से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक 3 डॉट में दिया हुआ, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक मिल जाएगा आपको पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आपका अपना मेथड होता है, आप चाहे तो UPI सेलेक्ट कर सकते हैं, UPI को ऐड कर सकते हैं, IMPS को ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई और UPI ऐड करना चाहते हैं। जितने भी आप पेमेंट मेथड को यूज करते हैं, जैसे फोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, IMPS हो गया, जो भी आप यूज करके पेमेंट करते हैं और पेमेंट लेना चाहते हैं वो आप यहां पर ऐड कर दीजिएगा। इसी पेमेंट मेथड से आप जो है सो TRX बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है, P2P को यूज करेंगे तो इसी बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा और इसी बैंक अकाउंट से पेमेंट जाएगा, तो आप यहां पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करना बिल्कुल आसान है, आप ऐड कर दीजिएगा,
वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल में या फिर मोबाइल में ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट कर दीजिएगा, आपका यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा, इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो ये ऑप्शन मैं स्किप कर देता हूँ, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट बार आप कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में लाइव आपके सामने यहाँ पर पी टू पी एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, खरीद लेते हैं TRX। मैं आपके एग्जाम्पल कुछ TRX खरीदूंगा, मैं एक सेलर सेलेक्ट कर रहा हूँ श्याम, ये यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, इसका ट्रस्ट कोर्स भी अच्छा है, ट्रेड भी अच्छा किया हुआ है और ये फुली वेरीफाइड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय पे क्लिक करते हैं, जैसे बाय पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, आप कितने रुपये का TRX खरीदना चाहते हैं ये यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन डालने से पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने जो अपना लिमिट सेट कर रखा है कि ये मिनिमम 1200 रुपये का TRX सेल कर रहा है और मैक्सिमम जो है 48,719 रुपये का यहाँ पर TRX से सेल कर रहा है, उसी के अंदर आपको यहाँ पर डालना है। प्राइस इन्होंने यहाँ पर सेट कर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप प्राइस में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अभी एग्जांपल करें, जस्ट मैं 2000 रुपये का TRX बाय करने वाला हूँ, ठीक है, 2000 का TRX मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देते हैं, जैसे बाय पे क्लिक कर जाएंगे मेरे यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट लग जाएगा। तो दोस्तों बाइनेंस में जो पी टू पी किया जाता है, एक सबसे अच्छा सिस्टम जो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलर या बायर से चैट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए इसे चैट करता हूँ, देखता हूँ इन्हें ऑनलाइन में क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हाई लिखता हूँ, देखते हैं कितना रिप्लाई देता है। अगर ये ऑनलाइन होगा तुरंत रिप्लाई देगा और मैं इसको भेजूंगा कि मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, जल्दी रिलीज कर दीजिएगा। ऐसे जस्ट देखो, जस्ट ने रिप्लाई कर दिया है, यानी कि ये ऑनलाइन है, ठीक है। तो मैं अभी इसको पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप पी टू पी को यूज़ करके कोई बाय और सेल कर रहे हैं क्रिप्टो को, तो आप अपना रिमार्क में कहीं भी क्रिप्टो या बिटकॉइन या कोई भी चीज़ ऐसा यूज मत कीजिएगा जिससे कि यहाँ पर इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जिनको पेमेंट कर रहे हैं उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कोई भी आपको रिमार्क यहाँ पर ऐड नहीं करना है, कोई चीज़ क्रिप्टो से रिगार्डिंग कोई वर्ड से आपको नहीं डालना है, ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको भी कट कर देता हूँ, इसके यहाँ पर कट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मेक पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो इन्होंने जो जो पेमेंट सिस्टम यहाँ पर ऐड कर रखा है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि इन्होंने अपना UPI एड्रेस रख करके रखा है, IMPS के लिए रख कर रखा है, पेटीएम करके रखा है, फ़ोनपे रखा हुआ है और इसके साथ साथ गूगल पे रखा हुआ है। तो जो आपको सूटेबल लगता हो, जिसमें पेमेंट मेथड करना चाहते हैं उसी से आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो इसका QR कोड था फ़ोनपे का, मैंने स्कैन करके पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करके यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो पेमेंट जस्ट रिसीव हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, तब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो हम बात करते हैं। तो जब इसका पेमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, ये आपको करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपलसरी क्लिक कर देना है, ट्रांसफर नोटिफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है सो ऊपर में लिख दिया रिलीजिंग, ठीक है, यानी कि फंड आपका रिलीजिंग हो रहा है। तब तक आप जो है सो यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं जिस बंदे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चैट कर देते हैं कि मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंस्टेंट इन्होंने रिलीज भी कर दिया, मुझे स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप चाहें तो उसको चैट मैसेज में स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, वहाँ पर सारा ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ पर देखिए रिलीज हो गया, डिपॉजिटेड इन 358 TRX जो मैंने 2000 रुपये में करंट ट्रेड में आया है ये मुझे यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डन कर देते हैं, उन्होंने मैसेज भी किया हुआ है, डन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थम्सअप कर देते हैं अब, ठीक है। अब दोस्तों जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर में जाकर आपको यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया हुआ है, आपका ये ट्रेड कैसा रहा, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, यहाँ इसको रेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव दे देता हूँ क्योंकि इन्हें तुरंत जैसे फंड को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पर मेन पर, ठीक है। तो अभी एक काम आपको करना और भी बाकी, क्योंकि ये जो फंड आपका आया है ये आपका फंडिंग वॉलेट में आया है, यहाँ से आपको जो है सो स्पोर्ट वॉलेट में आना है, ठीक है। तो स्पोर्ट वॉलेट में लाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफर का, तो इस ट्रांसफर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा फ्रॉम फंडिंग टू स्पोर्ट वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे फंडिंग वॉलेट से स्पोर्ट वॉलेट में लाना है। क्या लाना है, यहाँ पर ऑलरेडी BTC दिया हुआ है, बट मुझे मैंने अभी बाय किया था TRX, तो यहाँ पर आपको TRX सेलेक्ट करना है। तो TRX मैंने सेलेक्ट कर लिया, कितना लाना है ये यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है कि मेरे पास फंडिंग वॉलेट में 358.42 यहाँ पर TRX है। तो यहाँ पर पूरा TRX जो स्पोर्ट वॉलेट में लाते हैं, तो इसके लिए मैक्स पे क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और कन्फर्म ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से निकलकर जो है सो मेरा फंडिंग वॉलेट से निकलकर स्पोर्ट वॉलेट में आ चुका है और यहाँ पर आपको यहां पर TRX दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो आप यहां पर TRX को बाय कर सकते हैं। देखिए यहां पर TRX टोटल मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये था
बाइनेंस का पीटूपी का प्रोसेस, उम्मीद करता हूँ प्रोसेस आपको सही से रूप से समझ में आ गया होगा। या आप यूएसडीटी करना चाहते हैं या फिर जो भी आप कॉइन खरीदना चाहते हैं जो भी यहाँ पर लिस्टेड है, वो सारे कॉइन आप डायरेक्ट रुपये से खरीद सकते हैं, जो आप यहाँ पर पूरा लिस्टेड में देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है। जब भी आप पीटूपी करिएगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप किससे बाय कर रहे हैं, उसका ट्रस्ट स्कोर क्या है। ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर फर्स्ट बार करेंगे तो ये चीज़ें आपको कभी डिस्प्यूट ना हो, कभी किसी में पेंडिंग ना हो और आपको अपील करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस टाइप में चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं, ये मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।